अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ राबी। आप लोग देख रहे हैं राबी जी चैनल। दोस्तों, आज मेरे जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो बहुत हसीन है। नाम सुनते ही प्यार आ जाता है। मैं फ़ौरन आपको बता देती हूँ, वो है माँ। जी दोस्तों, मेरी वीडियो का टॉपिक है माँ। माँ के बारे में क्या कहूँ, माँ ही तो बना देती है घर को जन्नत। माँ ही तो बना देती है घर को जन्नत दोस्तों, ये बात है बिल्कुल दुरुस्त। क्योंकि माँ ही तो बच्चों को तरीके और सलीके सिखाती है। वो माँ ही है जिसने हर तरह से अच्छा सिखाया हम लोगों को, बात करना, हर चीज़ का सलीका सिखाया। हमें तो खाना खाना भी नहीं आता था, माँ ने ही तो सिखा दिया। दोस्तों, अगर हैं आप एक माँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है अपने घर के माहौल को खूबसूरत बनाने में, अपने बच्चों का किरदार अदा करने में। माँ है तो सिखाइए अपने बच्चों को किस तरह से बात करनी है, किस तरह उन्हें तमीज़ से पेश आना है, किस तरह छोटे छोटे से कामों में आपका साथ देना है, किस तरह प्यार और मोहब्बत से अपने बाप का दिल खुश करना है, किस तरह उन्हें खिदमत करनी है अपने माँ बाप की। ये फ़र्ज़ है आपका। आप हैं एक माँ, तो आपका ही फ़र्ज़ है उन्हें सिखाना कि जब वो पढ़ के आएँ तो आके अपनी माँ के हाथ चूमें, जब वो काम से फ्री हों और सोने लगें तो सोते सोते अपनी माँ के पाँव चूमें। ये सिखाने का फ़र्ज़ बनता है आपका, क्योंकि माँ ही तो सिखाती है अपने बच्चों को। अगर आज आप ये सिखाएंगी, उन्हें बताएंगी और समझाएंगी कि माँ के हाथों को चूमने से कितना सुकून मिलता है, तो वो सारी ज़िंदगी चूमेंगे आपके हाथ। ये आपको बताना होगा अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें समझ नहीं होती किसी चीज़ की। ये सिखाना है माँ को, और माँ ही बताती है अपने बच्चों को कि किस तरह से उनको रहना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से बात करनी है प्यार भरे अंदाज में, और किस तरह से लोगों का दिल जीतना है। दोस्तों, फिर बाद में शिकवा शिकायत करते हैं अपने बच्चों की, पहले खुद तो सोचिए कि आपने क्या सिखाया है अपने बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देकर मत बिठाइए। टाइम बिल्कुल पास करने के लिए हर वक्त ये लीजिए, बेटा आप कार्टून देखिए, हम काम कर रहे हैं, नहीं। आप उनसे कहिए, बेटा आप टॉयस लीजिए, खेलिए, हम काम कर रहे हैं। बेटा आप हमसे बात कीजिए, हम काम कर रहे हैं। आपस में बात भी करते रहिए, बच्चे टॉयस से खेलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कार्टून ही लगा के दे दिए जाएं। और जब बच्चे खाने के लिए बैठे, तब उन्हें सिखाइए कि किस तरह से हैंड वॉश करके खाना खाना है। और जब किसी से बात करने लगें, तो उन्हें अदब और तरीका और सलीका और मोहब्बत से बात करना सिखाइए। दोस्तों, माँ, माँ लफ्ज़ ही है अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत करने का। माँ है ही एक ऐसा प्यारा और हसीन रिश्ता। आप अगर माँ हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि किस तरह से आप गाइड करते हैं अपने बच्चों को। पूरा दिन खुद ही मशीन बन के काम करती रहती हैं माएँ, और बच्चों को सिखाती ही नहीं है कि किस तरह से एक गिलास पानी अपनी माँ को पिलाना है। कभी थक जाएँ तो प्यार से बच्चों को भी बोल दीजिए, बेटा जान जाइए एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। इस तरह उन्हें भी एहसास होगा कि उनकी माँ थक जाती है। कभी थक गए हैं तो थोड़ा अपने बच्चों को ही बोल दीजिए, चले बेटे हमारे, हम साथ मिलके थोड़ी चीज़ें उठा लेते हैं, चलें बेटे मिलके थोड़ा काम कर लेते हैं। ये होता है एक माँ का तरीका, एक माँ का सलीका अपने बच्चों को सिखाने का। मेरे साथ हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसके ऊपर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। जी दोस्तों, पता है हुआ क्या, मेरी बहन है, वो मुझसे शिकवे कर रही थी अपने बच्चों के, मेरे बच्चे कुछ करते नहीं हैं, मुझे पानी नहीं पिलाते, उठ के खुद पानी नहीं पीते, एक एक काम के लिए बोलते रहें, वो सुनते ही नहीं। फिर मैंने सोचा, क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए। बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जो ये सोचती होंगी, हमारे बच्चे तो कोई काम ही नहीं करते, हमारे बच्चे तो हमारी कोई खिदमत ही नहीं करते। आप ज़रा सोचिए तो, क्या आपने उन्हें सिखाया है काम करना? गलती आपकी है या आपके बच्चों की? मैंने बहुत सोचा इस टॉपिक पे, गलती बच्चों की नहीं है, बच्चों को तो आपने बताया ही नहीं शुरू से। छोटे छोटे से थे तो छोटे छोटे से काम में हेल्प करवा लेते अपनी, उनको सिखाते कि माँ भी तो थक जाती है, माँ भी तो इंसान है, उनको सिखाना तो माँ को ही था ना। जब वो आके आप लोगों के हाथ चूमते छोटे से थे, तो आज बड़े होके भी चूमते, शादी हो जाती तो तब भी चूमते। तब फिर आप इल्ज़ाम बीवियों को दे देते हैं कि बीवियों ने सिखा दिया। आपने क्या सिखाया अपने बच्चों को? कभी खुद भी तो सोचिए, खुद भी तो कीजिए। मैं इस तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आती रहूँगी आपके लिए, क्योंकि आपको अगर पसंद आएगा दोस्तों, माँ ने ही सब सिखाना है अपने बच्चों को। छोटी छोटी बातें
लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, समझने वालों के लिए बात हो। फिर औरतें अपनी लाइफ से बेजार हो जाती हैं, ज़िंदगी से बेजार हो जाती हैं। कैसी ज़िंदगी है, रात दिन काम काम काम, कोई हेल्प नहीं करवाता, बच्चे कुछ नहीं करवाते। पहले खुद तो सोचिए कि क्या आपने अपने बच्चों को शुरू से सिखाया है, क्या आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को शुरू से सिखाया है कि आप हमारी हेल्प किया कीजिए, हम भी थक जाती हैं। आपने शुरू से प्यार मोहब्बत से उन्हें कुछ गाइडनेस दी है? अगर आपने दी होती तो आज ऐसा ना होता, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर अभी भी आप लोग अगर अपने घर के माहौल को बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन बनाना चाहती हैं तो फ़ौरन से पहले अपने बच्चों की तरबियत ऐसी कीजिए कि देखने वाले रश करें कि ये इसकी माँ ने तरबियत ऐसी की है, सुनने वाले सुनते ही रह जाएं। ऐसे बच्चे हैं, अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, माँ थक जाती है पैर दबाते हैं, घर से आते हैं हाथों को चूमते हैं, सोने लगते हैं तो पैरों को चूमते हैं। क्या किसी के घर का माहौल है ऐसा? नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है और मेरे घर का माहौल है ऐसा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके घर का भी माहौल बन जाए इतना ही हसीन जितना के है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का माहौल हसीन। तो प्लीज़, अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपसे बात करूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपके घर के माहौल को बहुत हसीन बना दे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।